कि जो भी मोहिनी उहिनी बनाने वाला जो रहता है वो सब काम के लिए आते हैं ना। आई पायले यार सब काज। ठीक है। सेमर झाड़ है। ये कौन सा झाड़ है? सेमर। सेमर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही विशाल सेमर का पेड़ और उसके नीचे कर्णकुटीन देवी का यह अश्व है। और यहाँ पे आते हैं ग्रामीण और किसी भी तरह की मोहिनी वहिनी से रिलेटेड यानी कि महिलाओं को पाने की इच्छुक या अन्य किसी भी प्रकार की जो इच्छा रखते हैं वो आते हैं और पुजारी जी से उसके पूजा करवाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। वो उनके जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। मनी गली राजा बोलुबे ये बात ले पारत जातो के चितर खोजने पानी रहे मन होता राजा मुंडा ने चितर खोजने पानी रहो के एक कोड़ की दुई कोड़ की राजा पकाऊं दी लो अंदा इधर कहाँ होता पार हो ली पार हो तो यहाँ से पानी को हमारे पीछे पीछे ले जाएंगे मैं पानी फुरे फुरे मैं गन्नी फुरे फुरे पानी पाटे पाटे बलून बाती ये तो फिर राजा आप लोग सिंह द्वार ने अमरा दुआ लागू ने पानी आम तो राजपुर के राजा मुंडा पानी बैठे। तो मार्कंडेय नदी और इंद्रावती क्या अपना नारंगी नदी ये दो नदियों का संगम स्थल है ना। वहाँ पे गांव बसा हुआ है। कोई भी गलत सोच के जाएगा यहाँ का सामान को नुकसान पहुँचाऊँ कुछ भी तो आदमी को नुकसान होता है क्या? कुछ घटना हुआ है उसके साथ किसी के साथ कुछ हुआ है क्या हो गया था उसके साथ? यहाँ से पत्थर भी यानी कि नहीं ले गलत नियत से कोई भी चीज यहाँ से नहीं ले जा सकते है ना। का नाम क्या है पुजारी जी? नाम रतन। रतन जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रतन जी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो इस क्षेत्र का और यहाँ पे सड़कें बने और इस जगह का रख रखाव हो ताकि यहाँ पे लोग आ सकें देख सकें और संरक्षित स्मारक इसे घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी प्राचीन नागवंशी राजाओं का यह मंदिर है। और देख सकते हैं सुरक्षा के अभाव में यहाँ की मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं लेकिन यहाँ पे पुजारी जी बीच बीच में आकर पूजा करते रहते हैं। तो दोस्तों कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर इसे देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पुजारी जी की बात को सुना जाए और जो जो मांगे हैं इनकी पूरी की जाए और यहाँ पे इस मंदिर को इस महल को संरक्षित किया जाए। पैसा खाने के नहीं सकता है आम भी खाएंगे दूसर नहीं खाएगा पुजारी खाएगा सिर्फ पुजारी को मिलेगा ना। हाँ वो कौन सा देवी है वो बगल वाले ये? हाँ ये बोलो भाई कर्णकुटी बोलो भाई राज आगे राजमहल बेराचो गणेश भगवान ये प्राचीन मूर्ति है बहुत। हाँ चोरुन नेवरला हन ऊपर में जड़ू रहे ऊपर में हिटाउन चोरुन नेवरला अंदा देवी धरतो के लोहलू पुरक के यहाँ से हमरा उन दिला एता देवी खाली आसन बनाऊं एता मंडानी कर ले सारे एता चाउर चगाए यार ये ता वरदान दिवा ये घोड़ा चोरुन नेवरला अंदा धरतो के एता हमरा उन दिला अमदा यार उमरऊन देतो के कोनी बायले काजे कोनी काजे ये घोड़ान के उड़ के गौन फरतात मांग तो फर ना दे हुआ है प्रकट है पंडरा घोड़ा है। कौन सा भगवान इनका नाम क्या है देव का? इसका नाम का कर्णकुटीन का घोड़ा है। कर्णकुटीन जी का घोड़ा है ना? घोड़ा है। जतरा बनाओ कुमरियालो ने रेते रेते लोग मन नांगर मन जतना वत मने हम गुड़ा पाली आली पाली जतरा गांव महल जतरा आए बनो ने आली पाली चा हां नांगर मन जतना होत मन घर रूप देताल धुन लग जाऊ की होय ताल देव बनाऊ दिलक बाहर जाऊ की होय हुसन मारुक धरे ओ गोचर पानी हुसन होय और ये भी बोले गंडिक छांडून गेले बाग निकरू आते ता सांगे ये ता पीछे ये तोर नुहाय पास भुलकुरल बलका ये समान दुवड़ा बोहड़ू नेते ही नुहाय पूजा काट करून बाती ये भादम ने जतरा आय ये ताचू ये लग देऊ से भैंसा फलसू आगे राजा कौन लग देते रहो जाले भैंसा फलसू के लागू ने ये लग मेंढक देऊ ये लग द्वार पाल ये बे यता चो हूँ राजा रानी निकर सोच के नहीं इतलो साफ हूँ बाती एकदम महार के पूरा घेराव लगाए थे राजा और रानी दोनों आसत यता सायकात जागुन बाती राजा रानी और एकदम भीतरे पठार लाते भैंसा बोल तो जमा ही पाठ किया तो यहाँ मंदिर का देख रेख कौन करता है फिर यहाँ पर? मैं क्या करूँ आए का आप ही करते हो ना। हाँ और फिर जैसे यहाँ मूर्ति उर्ति को जैसे चुरा के ले गए थे तो कहाँ कहाँ गया था मूर्ति मन कहाँ से मिला आप लोग को? ये के चोर ऊपर ले गए ऊपर कहाँ ने उगला जा दी फिर आपको संग दिला परेशान किया हो परेशान हो रही फिर आनंद दिला एक हंदाई हुन दिन ले खाले मंडाली ये लुप्रेल रहा प्रेरल हुआ
हत्ता हुन राजा घर उन छिड़ते या बात परिवर्तन कर लेते बकान दिला अन दिला ये घोड़ा के बल चोरो नहीं लुवाए एक बल ने उरा लाइक बल आनु मिला देव ये ता के यहां से परछट है पतो ने हुनी का जे लागु ने आनु दे तू बिताय और तू झटो देव होलो नहीं आन देता ये भी जित्रो बोले तुम्ही दशरा मना सा दशरा बना ली तो जमात में ये ताई बनाए पुत्रो सच लागे से हर गुड़ी ने बोलो भे हम तो गांव बाजार आरु काय तो ये दे गोंचा होलो ने गोंचा बनाऊं थे ये भे गोंचा बना लू कि फिर का दे उठने बनाऊं थे ये तब हदम बाजार बनाऊं थे नहीं ये ता कोनी साथ दे तो लोग नहीं और बना तो लोग नहीं बोलते हम ही कोशिश करूं थे बना तो ऊपर ये भे आगे पीछे कीर्ति रहती नाम रहती बोलते फिर एक मोहर नहाले रेटे रेट मज विचार ने एक बहुत सड़क मना तो आते आरु मन भीतरे ये जो सामने असन मोटक चबूतरा बनाऊ असन घाट मन मना तो सड़क मन के असन चारी कुटिल जगत एक कोरला यहाँ कोई देख रेख नहीं है पर्यटन विभाग हो सरकार हो कोई ध्यान नहीं है नहीं है उन बात हो नहा लेता दखती कि नहीं आगे जुग दिन जो आए छका छक होती उन बाउट पूरा न पाउन बात ये बात हर प्रकार फूल बगीचा मंडालों ने आर भी महल के होता कौन कौन लग चबूतरा मन बनाते के लो ने सड़क रोट रोट ने किंदरो दखते और फिर ऊपर में चढ़ो आप लोग का ये कहना है कि यहाँ पे सरकार देख रेख संरक्षण में ले इसको नहीं तो ये विलुप्त ठीक है पुजारी जी फिर इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग चाहेंगे कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपकी बातों पे ध्यान दे और यहाँ पे आए इस जगह को देखे और इसे संरक्षित करने पे किसी पहल करे किसी तरह की ताकि ये जगह सुरक्षित संरक्षित रहे और आगे भी लोग आने वाली पीढ़ियां इस जगह को देखते रहें और इसी तरह इसकी भव्यता बनी रहे तो धन्यवाद पुजारी जी।